हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू द माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दो चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यह चाट झटपट बनके तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए, ये दिखने में कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये दिखने में जितना भी खूबसूरत दिखता है, खाने में उतना ही यम्मी है और बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर पापड़ी वगैरह का यूज़ नहीं की हूँ, मैंने इसको ऑयल फ्री रखने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स देखिए, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने 3/4 कप फिटी हुई दही लिया है, आलू लिया है बॉईल किया हुआ, चना बॉईल किया हुआ, इमली का पानी मैंने बनाया है। यहाँ मैंने काले मिर्च का पाउडर लिया है, जीरा पाउडर लिया है, चाट मसाला लिया है, नमक लिया है, काला नमक लिया है, नमक पहले वाला सफ़ेद नमक है। यहाँ मैंने एक टमाटर बारीक काट लिया है, प्याज काट लिया है, पुदीना का पत्ता लिया है और मिर्च लिया है। अब हम इस बाउल का हाफ चना हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इतने चने और आलू से हम दो चाट की रेसिपी तैयार करेंगे। मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का यूज़ नहीं करूँगी। आप अपने जैसा आपका टेस्ट है, जितना तीखा खाते हैं आप उसके अकॉर्डिंग लाल मिर्च डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आलू भी डाल दिया है। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे, जैसे जीरा पाउडर डालेंगे, चाट मसाला, काले मिर्च पाउडर, काला नमक, सफ़ेद नमक। जीरा पाउडर हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अब हम इसको स्पून की हेल्प से अच्छी तरीके से मिला देंगे। अब हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर और प्याज डाल देंगे और उसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें अपना इमली का पानी मिलाएंगे। ये इमली का पानी मैंने 1/2 कप लिया हुआ है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे और उसके बाद हम इसमें 3-4 चम्मच दही डालेंगे। इसमें हमको ज़्यादा दही नहीं यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच दही डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे इसको मिला दिया है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। मैं इस चाट को सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर दी हूँ। फ्रेंड्स अब इसके गार्निशिंग की तैयारी किया जाए, क्योंकि ये तो बनके तैयारी हो गया है। तो हम इसके ऊपर चम्मच दही डाल देंगे और अपने जो थोड़े बहुत कटे हुए प्याज हमने रखे थे उसको इसके ऊपर गार्निश करेंगे और कटे हुए मिर्च डालेंगे और पुदीने के पत्ते को डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चाट मसाला, काली मिर्च और जीरा पाउडर डाल देंगे। ये देखिए, ये बनके रेडी हो गया है। अब हम अपने दूसरे चाट की ओर चलेंगे। अब हम इसमें बचे हुए चने को डाल देंगे और बचे हुए आलू को भी डाल देंगे। ये चने जो मेरे हैं वो थोड़े से अंकुरित हैं, जो कि और भी हेल्दी हैं। अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालने होते हैं, बस नमक डाल दीजिए और जीरा पाउडर और काला नमक। मैंने जीरा पाउडर और काला नमक एक ही में मिला दिया था। इसमें दही की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होती है। अभी तो मैंने केवल 2 चम्मच दही डाल के इसको अच्छे तरीके से मिला दिया है। अब हम सर्विंग बाउल की तरफ चलेंगे। मैंने सारे चने और आलू को ट्रांसफ़र कर दिया है सर्विंग बाउल में। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डालने से पहले मैं इसमें इमली का पानी भी डाल दूंगी। आपके पास अगर इमली का पानी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास था तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब हम इसमें अपने बचे हुए दही को डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें दही डाल दी हूँ और इसको अच्छे तरीके से मिला दी हूँ। अब मैं इसमें इसको केचप की हेल्प से डेकोरेट करूँगी, क्योंकि बच्चों को केचप बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास मीठी चटनी हो तो आप मीठी चटनी भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं काली मिर्च और जीरा पाउडर को डाल दी हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है और ये बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, झटपट बनके तैयार हो गया चाट की रेसिपी। और
ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत यम्मी है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फ्रेंड्स।